अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सानिया दस्तखान। आप सभी व्यूअर्स का सानिया दस्तखान में स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज मैं अपने दस्तखान में पेश करने जा रही हूँ चेरी मैंगो स्मूदी, जो कि बहुत ही हेल्दी है, फुल ऑफ न्यूट्रिशंस है और बहुत ही ज़्यादा मुफीद है हम सभी के लिए। रमज़ान में सहरी में इसको हम पी सकते हैं, इफ्तार में शामिल कीजिए और रमज़ान के अलावा भी ये एक बहुत ही बेहतरीन समर सीज़न का एक बेहतरीन नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट ड्रिंक है। बच्चे जो दूध, फ्रूट्स, दही वगैरह नहीं पसंद करते हैं वो भी शौक से पियेंगे और बहुत ही इंस्टेंट और इजीली बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे सानिया दस्तखान पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, इससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। चेरी मैंगो स्मूदी बनाने के लिए हमने 1 कप चेरी ली है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 1 मैंगो लिया है, इसमें से मैं आधा मैंगो का यूज़ करूँगी। हमें चेरी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है और मैंगो की कम रखी है। साथ में मैंने 6 बादाम लिए हैं, आप बादाम की क्वांटिटी अगर कम पसंद करते हैं तो कम कर सकते हैं। साथ में मैंने 4 खजूर लिए हैं, खजूर का इस्तेमाल मैं चीनी की जगह कर रही हूँ, आप शहद का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। ये दूध है, दूध हमारा 2 कप है और दही मैंने 1/2 कप लिया है। ध्यान रहे दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, अगर घर का जमा हुआ है तो बेहतर है। मैं चेरी के सारे डंडियां निकाल के इसके बीज को निकाल लूंगी और बादाम अगर आप भिगाना भूल गए हैं तो इसको गुनगुने पानी में, तेज थोड़े से पानी में इसको 1 मिनट के लिए उबाल लीजिए, आपको फौरन ही इसके छिलके निकल जाएंगे। आम को मैं छील लूंगी और ये खजूर है जिसको मैंने धो लिया है, इसके भी मैं इसके बीज निकाल के बारीक बारीक काट के तैयार कर लूंगी। मैंने सभी चेरियों की डंडी निकाल ली है, अब मैं इसकी गुटली निकाल लूँगी। गुटली निकालने के बहुत से तरीके हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है वैसा निकाल लीजिए। ये देखिए बहुत इजीली निकल जाते हैं। मैंने इसको जैसे हम आलू पील करते हैं उस तरह से इसके सारे रिमूव हो जाएंगी गुटलियाँ। चेरी के मैंने सबके बीज निकाल लिए हैं, अब मैं मैंगो को पील कर लूँगी एक पीलर की हेल्प से इस तरह से। ये देखिए मैंने आम को छील लिया है, अब इसका पल्प निकालूंगी। आम को भी मैंने क्यूब में काट लिया है और खजूर के भी मैंने बीज निकाल के इसको छोटा छोटा काट लिया है ताकि इजीली ब्लेंड हो जाए, और बादाम को भी मैंने छील लिया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस पर। अब हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे जिसमें हम सारी चेरी शामिल कर देंगे। मैंगो क्यूब्स, अगर बादाम इजीली आपके इसमें ब्लेंड हो जाते हैं तो आप इसको साबुन डालिए, वरना इसको आप काट के डालिए। इसका हम पहले थोड़ा सा पेस्ट बनाएंगे, इसलिए दूध थोड़ा सा कम रखेंगे। जब ये बारीक हो जाएगा तो हम सारा दूध और दही इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए ब्लेंड हो चुका है, अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी। तो हमारा फ्रेश दही था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा हेल्दी ड्रिंक तैयार है। ये देखिए बहुत अच्छी स्मूदी तैयार हुई है। अगर फिर भी आपको थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इसमें स्वीटनेस कम लगे आपको तो इसमें आप शहद का इस्तेमाल करें बजाय शुगर के। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं।
ध्यान रहे अगर आप मैंगो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी मीठे ही होने चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि चलो मैंगो शेक बना रहे हैं या कोई स्मूदी बना रहे हैं तो वो थोड़े खट्टे आम का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अक्सर वो नुकसानदेह होते हैं। यहाँ मैं ग्लास को रोज सिरप से थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। देखिए जायकेदार के साथ साथ बहुत खूबसूरती दिखाई दे रहा है। इसको हम और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए और थोड़ा सा गार्निश करेंगे। और मैंने गार्निश कर लिया है हेल्दी चेरी मैंगो स्मूदी को थोड़े से मैंगो और चेरी के क्यूब्स के साथ। अगर आपको मेरी चेरी मैंगो स्मूदी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं इंशाल्लाह जल्द ही हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।